तुझ मुरती माँ तुम्ही माधारिती तुम्ही आदिमाता तुम्ही माधारिती तुम्ही आदिमाता तुम्ही चिरंतनी तुम्ही कासता सकाळ घाटी अछ चतुर्थ मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्थ मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्थ मूर्ति माँ अनंत आकाश गभीर सागर प्रकाशित हुआ स्वर्ग मत्य पूरा अनंत आकाश गभीर सागर प्रकाशित हुआ स्वर्ग मत्य पूरा अति मनस को क्रिया कराउछ सकल हृदय चेतन भरुछ सकल घाटी अछ माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ चंद्र को दे शुद्ध से शीतल सूर्य को दे उत्तप्त नल चंद्र को दे शुद्ध से शीतल सूर्य को दे उत्तप्त नल वायु को दे प्राणायाम जीवन स्वरूप सकल घाटी अछ माँ चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हारी चरणी करे मु प्रणाम भकति भरे मु करे समर्पित तुम्हारी चरणी करे मु प्रणाम भकति भरे मु करे समर्पित हृदय भरे मु आतुर डाके हृदय भरे मु आतुर डाके ध्यान रही थाए तुम्हारे से बारी ध्यान रही थाए सकाल घाटी अछ माँ चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ तुम्हें चतुर्ध मूर्ति माँ हे माँ हे माँ हे माँ हे माँ वंदे मातरम माँ धन्यवाद अपा आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ दिव्य जननी श्रीमांकर गोटे स्वप्न ए विषय आलोचना करने आम सह जाजपुर रु पूज्य बनमाली भाई मो भाई को अनुरोध करी से आलोचना रखे भाई करुणामयी मा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा मोर अति
आदरर सम्मानस्पद अपा भाई माने संचालिका अपा समस्त को मोर नमस्कार। आज गोटे पवित्र दिवस, ये पवित्र दिवस रे माँ को पाखरु समस्त को परिवार एवं जीवन भीतर को आलोक शांति अवतरण करी आसु मुझे प्रार्थना कर। विषय टी अच्छी दिव्य जननी श्रीमांकर गोटे स्वप्न। स्वप्न तो आम मैने देखती साधारण चेतन थी शयन अवस्था बेले बेले आम स्वप्न देखती ताको इंग्राजी ड्रीम बोली मध्य कुआ जाए। किंतु जेते बेले दिव्य जननी गोटे स्वप्न विषय टी उपर आम आलोकपात करने को जाऊंती स्वप्न एक साधारण स्वप्न निश्चय नुहे, या पश्चात एक प्रतीकात्मक गभीर अर्थ रही जहाँ से शब्द टी बहन करुची। तेबे साधारण भावरे आमे जानिबा माँ को जो स्वप्न टी विषय आम आलोचना करुचंती मोटामोटी भविष्यतर दिव्य समाज सकाशे माँ को एक सत्य दर्शन बा विजन विजन बोली गोटे शब्द रही इंग्राजी रे तार अर्थ टी बुझा सहज नुहे, कारण ता बहुत व्यापक अनुभवी से शब्द टी अवतारणा करी पारे बुझी पारे। ये विजन शब्द टी अनेक समय आमर इंद्रिय बाहर इंद्रियर ऊर्धरे इंद्रिय ज्ञानर ऊर्धरे मन चेतनार ऊर्धरे एक प्रज्ञा चेतनार स्तर ऊर्धरे जो चेतनार सब स्तर सब रही भाषी आोटे सत्य कथा होता है। माँ गोटे आर्टिकल लिखी माँ अनेक समय आर्टिकल मान लेखती मान लेखा मान सब लेखती से गोटे आर्टिकल लिखी जार शीर्षक थिला ए ड्रीम। बेसी बड़ लेखाटीए नुहे साधारण लेखाटीए किंतु सृष्टिर समस्त संभावना दिव्य समाजर समस्त संभावना ता भितरे छपिक रही जिते थर पढ़ले भी श्रीमा श्रीअरविंदर पुस्तक सब बेले नुआ लगे। जिते थर ध्यान बसिले भी श्रीमा श्रीअरविंदर रूप निकटतर लगे। जिते भावना कले विषय चिंता कले से नुआ नुआ अनुभूति मान आसे। तेणु से जीवन हूँ अलग जो ए ड्रीम बोली जो लेखाटी माँ लिखी से फरासी भाषा लिखी फ्रेंच लांगुएज लिखी तार गोटे इंग्राजी अनुवाद इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रीअरविंद आश्रम दि बुलेटिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन अगस्त 1954 ये संख्यार प्रकाशित होता। मूलत फरासी भाषा लिखित तापर इंग्राजी में अनुदित श्रीअरविंद आश्रम जो फिजिकल एजुकेशन विभाग रही शिक्षा से 1954 अगस्त संख्या रे ता प्रकाशित होता। आम साधारण तो ये ड्रीम अर्थ टी स्वप्न बोल धरी नवा किंतु तापर विचार करवा
जो स्त्री माँ ये प्रकृत रे जदि मनुष्य तनुटे धरी आम पाखरे से आमर माँ भली स्नेह श्रद्धा एवं हस दे तथापि प्रकृत रे असल स्वरूप है से आद्या पराशक्ति अवतार से माँ दिव्य जननी स्त्री माँ मनुष्य को दिव्यतार बाट देखा दिव्य जीवन प्रदान करने जहाँ प्रकृत रे दिव्य जीवन एक स्वप्न थिला स्वप्न माने जहाँ असंभव से अर्थ में कहूँ से दिव्य जीवन ताकु प्रदान करवा यहाँ आ रूपांतर मार्गट को खोली दबा से बाटरे संतान मान को नहीं जीवा परिपूर्ण पूर्णता मध्य को उत्तोलित कर नवा यही सकाशे मानव तनु धारण कर ये धराधाम अवतीर्णा होते कौन सी स्वप्न मोटामोटी आम निश्चित रहा साधारण स्वप्न टीए के नुह अंत पक्ष आम माँ श्री अरविंद को जो मैंने जीवन ने ग्रहण कर जो मैंने जाणी ना विषय से मैंने कौन भाव पारती कि आम जाणी जहा स्वप्न ताकि मानव समाज भविष्य एक भविष्यवाणी ता एक भिजन एक सत्य दर्शन जहाँ से अंतर्दृष्टि प्रत्यक्ष कर से विषय टी सी लिखी मोटामोटी मुझे कह हर ड्रीम वाज एन इनर भिजन अंतर्दृष्टि जहाँ को देखती आओ भी कही पारे ये सुप्रामेंटल भिजन अफ ट्रुथ माँ अतिमानस चेतना और शक्ति सहित मिसिकी थे अतिमानस अवतरण पर क्रियाशील कराते आम जमी साधारण चेतना सहित तो बेस परिचित माँ संपूर्ण भाव अतिमानस चेतना सहित तो, शक्ति सहित तो, आलोक सहित तो, क्रिया सहित तो, प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक मुहूर्त अंश सब से ट्रुथ कन्सियसनेस से सत्य चेतना पाखे था साधारण तो जो मैंने द्रष्टा जो मैंने भविष्य कथा देखिपार जो मान गोटे फोरसाइट अच्छी तृतीय चक्षु अच्छी ज्ञान चक्षु अच्छी प्रज्ञा चक्षु अच्छी जो मैंने ऋषि जो मैंने अवतार से मानकर स्वप्न मानुषी चेतनार बहु ऊर्धर थिबा से ही प्रज्ञा बा तदुर्ध चेतना भूमि आसी सत्य ज्ञान आलोक दीप्त एक भविष्य कथा मात्र होता है पटु जहा बाहर साधारण मनुष्य जीवन पाई गोटे उद्धार पथ हो जाए मोट उपरे से प्रकार स्वप्न को आम कहीपर दे आर जदि इंग्राजी में कह वाक्य टे भल लगे अवश्य ओडिया अपेक्षा जे मुझे दोज ड्रीम्स आर प्रोफेसीज विजन्स एंड रियलिटीज ऑफ द फ्यूचर प्रोफेसीज है भविष्य कथा जहाँ के भूल हुए सत्य विजन्स जो चित्र से देखी था सूक्ष्म दर्शन भितर ता के अपसरी जाए आव रियलिटीज ऑफ द फ्यूचर जिते जहाँ भी हो जगत से ही बाट दे गति कर जीवन से ही बाट दे गति कर रियलिटीज ऑफ द फ्यूचर तेणु स्वप्न कहले यही तार स्कोप ऑफ द मीनिंग तार अर्थ रही गोटे कथा आउ भी मु कह मन करा प्रासंगिक हम जे परम प्रभु श्रीअरविंद पांचटी स्वप्न विषय आम जानती श्रीअरविंद 150तम पवित्र जन्म जयंती पालन अवसर में पांचटी स्वप्न प्राय लोक मैंने आम भारत कथा कहू ना सारा पृथ्वीवासी मैंने पांचटी स्वप्न
विषय सचेतन होती पृथ्वीवासी मानव जातिर भविष्य दिव्य पूर्णता संबंध में ता एक भविष्यवाणी जगतवासी ए विषय धीरे धीरे भी सज्ञान होती जो फाइव ड्रीम्स से मोटा मोटी भाव गोटे गोटे कथा आम मन रखा गोटे हूँ स्वाधीन आ अखंड भारत गोटे सृष्टि आउची एशियावासी पुनरुत्थान और जागृति गोटे आध्यात्मिक जागृति आतृतीयटा जे अंतर्चेतनार अंतर्चेतनार आत्मार एकत्व उपरे विश्व संघर प्रतिष्ठा बर्तमान विश्व संघ अच्छी किसी कारण से आत्मशक्ति उपरे प्रतिष्ठित नुहे श्री अरविंद कहते आत्मशक्ति उपरे प्रतिष्ठित हम से आत्मशक्ति आसव कौट भारत तेणु यही जो कथा कह भारत आए भारतीय माने भारतीय मान तक आणवे कौटू ना आगुरु जो भारतीय शास्त्र सब रही जो महिमान्वित तो, साधनार कथा लेखा जोग विषय समस्त तथ्य संबलित तो पुस्तक राजी भितर वेद वेदांत तो भितर तारी उपरे से एकत्वटी प्रतिष्ठित हम आ चतुर्थटी जे मानवर भारतर भारतवासी विश्व समुदाय को एक आध्यात्मिक शिक्षा आउ आउ शेषटी होची जे मनुष्य जो स्तर अच्छी से एक उच्चतर विशालतर चेतना मध्य को उत्तरण कर स्वीकृति एवं ये संभावना एवं संभावना नुहे ये निश्चितता श्री अरविंद ही स्वप्न दे जहा कि परम प्रभु स्वप्न देखी जहा कही दिव्य जननी ये गोटे स्वप्न जीवन में देखी ना बहु स्वप्न अच्छी पिला बेलू भी स्वप्न अच्छी किंतु ये जो स्वप्न टी गोटे स्वतंत्रता रही समाज विषय तेणु दिव्य जीवन दिव्य जननी ये जो स्वप्न टी ए संबंध में जहा कई ता धीरे धीरे रूप ग्रहण कर समस्त किसी सत्य हबारे लगी तेबे स्वप्न टी विषय माँ कौन सब कही तांकर ये जो स्वप्न जो लेखाटी या भितर आम कौन पाती माँ लिखी जे पृथ्वी रे केउठी हेले स्थान टीए थिबा दरकार जो स्थान रे कौनसी जाति गोटे आधिपत्य विस्तार करि पारिबो नाही बा कौनसी सही प्रकार स्थान को कौनसी देश निजर बोली घोषणा करि पारिबो मा प्रथम तो यही गोटे स्पेस चाहती गोटे स्थान चाहते दैट इज बेस्ड ऑन फ्रीडम स्वाधीनता उपरे ता प्रतिष्ठित थिबो से स्थान टी कौनसी देश बा जाति दाबी करि परिबानी जे एटा होची मोर मोर शब्द आदो से रहिबो नै गोटे स्थान से चाहते किंतु गोटे कथा भाई भाई मैंने मन रखा गोटे स्थान चाहिबा ता एक सिंबलिक अर्थ जदि गोटे स्थान रे गोटे सत्य को फुटे हुए ता अर्थ होची ता निश्चित भाव रे जिते स्थान अच्छी सबुठी से सत्य टी फुट उठि परिबा तेणु प्रथम तो मांकर से प्रज्ञा चेतनार भूमि आसीथिबा सत्य कल्पना थिला पृथ्वी रे गोटे स्थान थिबा दरकार जोठी कह आधिपत्य नथिबो जोठी लोक माने पूर्ण स्वाधीन थिबे कहार दाबी नथिबो आउ सेठारे जो माने बास करुथिबे से स्थान रे जो माने बास करुथिबे से मानकर गोटे निर्मल मन प्राण हृदय निष्ठापूर्ण व्यक्तित्व एकटे से माने होइथिबे अभिर्षु आउ से माने होइथिबे सदिच्छा सफल हैविंग गुड विल पावर एई जो व्यक्ति विशेष से माने सेठी बास करुथिबे एवं तंग परिचय होतबो से माने होचंती पृथ्वीर नागरिक से माने मुक्त भाव रे सेटारे बास करुथिबे आउ जदि मुक्त भाव रे बास करुथिबे तंगर ओबिडियंस का प्रति थिबो से काकु मानुथिबे से माने केवल सत्य रूपी भगवान कर निर्देश पालन करिवे से माने
କୌଣସି ଜାତୀୟତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ହେଇନଥିବେ ବା ଆଉ କାହାର ଚାପ ଭିତରେ ସେମାନେ ନଥିବେ। ସେମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଆଉ କାହାର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନ ହେବେ ନାହିଁ। କେହି ତାଙ୍କ ଅଥରିଟିକି ଉପରେ ଲଦି ପାରିବନି। ଏଇ ହଉଛି ଏକମୁଖୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏକମୁଖୀ ସଂକଳ୍ପ ଭାବଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ। ସେ ଯୋଉ ତିନୋଟି କଥା ବା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନଟିରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଥିବ, ପିସ୍ ସଂଗତି ଥିବ, ସମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତିଆରି କରିସାରିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାରଣ ମଣିଷ ତ ଜଳ ପାଖରୁ ଆସିଛି, ଜଳ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରାଣୀରୁ ମନୁଷ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଧରି ଆସିଛି। ତା ହଉଛି ଫାଇଟିଂ କରିବା, ଲଢିବା। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଯଦି ପଶୁମାନେ କେମିତି ହାଉ ଡୁ ଦେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଟାଇମ୍, ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରାଯାଏ, ଉତ୍ତରଟି ବେଶୀ ଆସିବ ବାଇ ଫାଇଟିଂ। ବେଶୀ ସମୟ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସମୟ କଟେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି କିଛି ଅଂଶରେ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଲୋକ ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଲଢିବା କି ହବନି, ସେ ହବ କାହା ପ୍ରତି ନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ଗୁଡିକ ସହିତ ଲଢାଇ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ ବି ସେ କରିବ। ଏ ହଉଛି ପଜିଟିଭିଟି। ସବୁବେଳେ ଯାହା କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେଇଥିରେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାଦ କଳହ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଏଠି ଆମେ ମାତୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଅହଙ୍କାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ରୂପ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ଏ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ କିଏ ଅଛି, କରିବ ଏଠି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ନିଜେ ମା ଶିର ନିଶ୍ଚୟ ହଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଥିଲା, ଯେବେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଯୋଉ କାରଣ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ବ୍ୟୟ କରିବ, ଆଉ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଉଥିବ। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ତା କାରଣ କଣ? ତା କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସତ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୋଳରେ ବି ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବି ଏତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି କରି ଆସିଲେଣି ଏବଂ ତା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତି ସେ ଗୁଣଧର୍ମ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତିର ବାହାରେ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ସ୍ଥାନଟିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥିବେ। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବାଟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଜୀବନ, ମୋ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଜାଣିକି ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କରିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏତିକି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ମୋ ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ,
तेणु सबुब विपरीत घटना गुड़िक आम भाग्य आम भाग्यर लेखनी आसी जाम जीवन टी से दुर्बलता अज्ञानता को धरिकी पुणी मरुची पुणी भी जन्म होरिक अतिक्रम करना कि जगतर व्यक्ति मान से दुर्बलता अज्ञानता को अतिक्रम करे आ गोटे रही जहाँ को आम कहती जे आमर हूँ गोटे लिमिटेड लाइफ आम जीवन रोटे सीमाबद्धता अच्छी आम जीवन भितर गोटे असामर्थ्य बोध अच्छी कौन सी गोटे कार्य को करने आम भितर सामर्थ्य थिले मु पारी भी नहीं ये भावधारा को आम धरिकी चल था सीमाबद्धता केवल मु भितर मो अहंकार भितर मु बांधी थ मु सीमाबद्ध सटा टी लिमिटेड बीइंग लिमिटेड इगोइस्टिंग बीइंग ये हूँ मोर परिचय मनुष्य सीना जान ले इगो मोर दरकार नहीं मु पत्थर जात्री इगो मोर दरकार नहीं मोर माँ दरकार तेना इगो दरकार नहीं मुझे माँ को माँ मोर दरकार माँ को मु चाहूँ असामर्थ्य बोध कहीं मोर आसो मु आगे जीवि से ही मत सामर्थ्य देवे यही भावना हूँ से असामर्थ्य को जय कर गोटे प्राथमिक शिक्षा जहा से जगत लोक मान करे आते गुड प्राण स्तरीय जिनस आम भर भी रही हूँ आम कामना आम बासना जहाँ को चरितार्थ करने फुलफिल करने रूप देवाई आमे आगे जाती केते ना केते कथा कौन कर किंतु से भूमि जो मैंने से माने कामना बासना चरितार्थ करने दिगरे आ समय नष्ट करेंगे आत्मार अग्रगति दिगरे लागी रहिबे आत्मा जो शक्ति दिए ता चिरंतन असरंती ता सोर्स इति विराट ता केबे सरेनी किंतु कामना बासना या केवल नरकर द्वार बोली कहि कहीं ना प्रति मुहूर्त से आम मान रिटर्न पेमेंट दिखती सांगे सांगे भी दिखती तेणु एवोल्यूशन जो आलोचना करा जाए से माँ शिरोविंद कहते मनीषर एवोल्यूशन एवोल्यूशनरी प्रोसेस हूँ से आत्म अतिक्रमण कर ही विल एक्सीड हिमसेल्फ से एक्सीड हिमसेल्फ मान कौन ना सी तार चेतन तेणी से आगे ए पर्यंत प्रकृति जो एवोल्यूशन टी को बढ़े बढ़े आसी मनीष सृष्टि सत किंतु यापर मनीष जिते बड़े उठ से चेतना देखी जीव आत्मा भितर देखी जीव मन ऊर्धस्थ चेतना राज्य द्वारा से परिचालित हो दिव्यजाननी परिचालन से उपरक उठी उठिका जीव अहंकार द्वारा नुहे निम्न काम निम्न आकर्षण द्वारा नुह तेणु से ही जगत रे जो से राज्य रे से देश रे से भूमि रे जो लोक मैंने बास करते से माने एमती भाव जानवे आत्मा भितर दे चैत्य सत्ता को बाट दे आत्मा अतिक्रमण करने को हम दे हाव टू एक्सीड देमसेल्व्स दैट्स द ओनली वे एकमात्र बाट तेणु ये विषय सचेतनता से सब थी आउ शिशु मान विषय माँ से शिशु मान छोट से छोटर बड़ हम तर अभिवृद्धि आवश्यक शरीर प्राण से बौद्धिकत सबुति अभिवृद्धि आवश्यक से प्रकार समस्त व्यवस्था गुड़िक दरकार नजे आरेंज कर निज आत्मा संबंध में सचेतन हो उठ कि आम मैंने पा जो छाड़ इन मैक्सिमम स्कूल्स जो पाठ पढ़ा चली बौद्धिक शिक्षा दिया दिहे आत्मा अच्छा बोले निजे विश्वास करती पा शिखे कौन तेणु कथा हूँ माँ से गोटे भूमि स्थान बाछुंट संकल्प नौ मन भितर जो शिशु मान फ्रीली ग्रो करें
फिजिकली वाइटली मेंटली एवं सेमानंकर आत्मा विषय सचेतनता आपे से भूमि सृष्टि होतुबो आउ आउ गोटे कथा कहिसंती मा जे परीक्षा संपर्क कहिसंती जे परीक्षा रे जा साधारण तो घटुची बायो शिक्षा कार्य रे परीक्षा रे उत्तीर्ण होई सर्टिफिकेट हासिल करिबा चाकरी करी प्रतिष्ठित होबा ए सब जिंस ना कमेबा ए सब शिक्षार लक्ष्य हबो नै एगुडा आम शिक्षा लक्ष्य होइकि अछि जदि बापा माँ को आम बुझे एगुटा लक्ष्य नुहे से आम माँ श्रीअरविंद स्कूल पिला जब कहीं ना जो कथा माँ कही सारा विश्व एवं भी समस्ते जाणी ना चारिकांत भी आबद्ध शिक्षा क्षेत्र पूर्णांग शिक्षा केन्द्र नुहे जिते बड़े शिक्षा केन्द्र बाहर को सी व्यापीज कौन प्रतबंध रही कौन सी एज बार रही जिते बड़े ताते व्यापक होपरिक चा दुकान व्यक्ति अनुभव कर पार आत्मार कथा ताकि पूर्णांग शिक्षा तेणु से जहा मोर कह कथा से शिक्षा ग्रहण करुवा पाटीर लक्ष्य हम तार जो अंतर्निहित सामर्थ्य गुड़िका भितर अच्छी से गुड़ी विकास साधन कर भल सर्टिफिकेट पाइब बेसी परसेंटेज रख भल करसबू लक्ष्य हवा उचित नुहे एम अफ एजुकेशन सुड भी डिफरेन्ट माँ का भ्यू आई जो नुआ स्थान कथा माँ कौन से स्थान में पदवी आसन कौन मोह बा मर्यादा नई पदवी आ मर्यादा ये मनुष्य को मनुष्य तो अलग करती ये गोटे अलग सी गोटे अलग मु बड़ सी सान तेणु ये सब से किसी नारण से उच्चतर चेतना प्रभाव तेणु ये मोह मर्यादा पदवी जन खाई खाई पारे कि द्वारा से प्रभावित ता माँ कार्य कर गोटे मध्यम बोल से ग्रहण कर भगवान उद्देश्य से केवल ग्रहण करवा संगठित हवा यही क्षेत्र टी समस्त खोला रशस्त रोटे कथ हूँ जीवन रो अंग हूँ चित्रकला स्थापत्य संगीत साहित्य ये सब सौंदर्य प्रकाश परिवार गोटे माध्यम यदि ये गोटे माध्यम ही समस्त यह सामान भाव उपलब्ध हवा दरकार आम कह पाठ पढ़ू आम जोग साधन किंतु चित्रकला स्थापत्य संगीत साहित्य को बर्जन करू ताले आम जीवन मार्ग दृष्टि केवे परिपूर्ण हासिल करना कारण प्राण ठारू मन पर्यंत शरीर पर्यंत जो सौंदर्य बोध जो संगति ये सब द्वारा ही मिलता है आ गोटे कथा माँ अर्थ ये लक्ष्य केवल गोटे लक्ष्य रनुष जीवन से व्यक्तिगत भाव अधिक योग्य हो पार निज योग्यता को से बढ़ेब योग्यता को बढ़ेगा अधिक महत्वपूर्ण हम अर्थ और क्षमता एत महत्वपूर्ण हम ना आउ समाज क्षेत्र में व्यक्तिगत जो लोक मैंने बास करते व्यक्ति व्यक्ति भितर जो संपर्क ता केवल सहयोग भ्रातृत्व भाव प्रतिष्ठित हम आम भितर ईर्षा रही आम भितर बड़ सान भावना रही ये बाधा सृष्टि आमको भगवान को जीवारे भगवान चेतना को ग्रहण करिवारे आमको बाधा दिए फल बिवाद प्रतियोगिता ये सब सृष्टि हुए एक माँ ना कर केवल सहयोग भ्रातृत्व भ्रातृत्व एक अंतरात्मिक धारा रे दीर्घ दिन धरी चल पार माँ मध्य उल्लेख करते से लेखाटी को लिखी थे से उल्लेख कर पृथ्वी एपरी एक आदर्श को कार्य परिणत करने लगी प्रस्तुत होना
ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ସେତେବେଳେ ସମୟର କଥା 1954ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତା ପୂର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବଟି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ମା ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆୱେର୍ନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୱିଲ୍ ପାୱାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ୍, ଚେତନାର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ଏଇ ମାଙ୍କର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଏଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅତୀତର କଥା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହଉ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହାର ରୂପାୟନର ସ୍ଥାନଟି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ମା ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମା ଯାହା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ପଥଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଭାବର ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉ ଧରଣର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କିଏ ଦରକାର, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଏବଂ ମା ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସତ୍ୟାତ୍ମକ ଜୀବନଧାରାଟିଏ ଚାଲେ, ନୂତନ ଜୀବନଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ସେଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗଟି ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ଦିଗଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ଅରୋଭିଲ୍ର କଥା, ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେ ଅରୋଭିଲ୍ ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅରୋଭିଲ୍ ହେଉଛି ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ର। ଅରୋଭିଲ୍କୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଦି ସିଟି ଅଫ୍ ଡନ୍, ଉଷା ନଗରୀ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦି ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଅରୋଭିଲ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁନିଟି। ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ୟୁନିଟି ନାହିଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯଦି ୟୁନିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ତ ହବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିକାଶ ହିଁ ବିକାଶ ହବ, ସେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିକାଶ। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁନିଟି ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟି ଆମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଶବ୍ଦଟି କହିଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ହବ ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ର, ଆତ୍ମାର ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର ତାହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିଛି। ଏହି ହେଲା ଅରୋଭିଲ୍ର ଅର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଅରୋଭିଲ୍ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅରୋର, ତାହା ଏକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସେ ଅରୋରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡନ୍, ଡନ୍ ମାନେ ଉଷା, ଉଷା ହେଉଛି ଚେତନାର ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦି ସିଟି ଅଫ୍ ଡନ୍। ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଅରୋଭିଲ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟାଉନ୍, ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଉନ୍ ବୋଲି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟାଉନ୍ ମାନେ ଏହା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସହର ବା ବାସକ୍ଷେତ୍ର, ନିବାସସ୍ଥଳୀ, ୱେୟାର ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଯୋଉଠି ସବୁ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ପିସ୍, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବେ, ଏକଥା ମା ପ୍ରମିସ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହାର୍ମୋନି, ଯାହା ଭିତରେ ସଙ୍ଗତି ବଢି ବଢିକା ଯିବ, ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ସଙ୍ଗତି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ରିଡ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ, ନେସନାଲିଟିସ୍, ସେଠି କୌଣସି ଜାତୀୟତା ଭିତରେ ତା ଆବଦ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ,
କୌଣସି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ତା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବନି, କୌଣସି ଏକ ଦଳ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ରହିବନି। ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ତାହା ହିଁ ସେ ତାରି ରୂପ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅରୋଭିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନାଟିଏ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତା ମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମିନ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା। 1965 ମସିହାର କଥା, ଫେବୃଆରୀ 11 ତାରିଖ ରାତ୍ରିକାର, ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସରେ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୀ ଆଜିଟେସନ ଦେଖାଗଲା। ଆଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୀ ଆଜିଟେସନ ମାନେ, ଆଜିଟେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଦାବି କଲେ, ମାଡ୍ରାସର ତାମିଲ ମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀକୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ। ଏଇ ଭାବଟା ମାଡ୍ରାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଗଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ହାତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅପଶକ୍ତିମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟାଏ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭାଇବ୍ରେସନ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର କ୍ଷତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମା ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ସେ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ 1965ରୁ ସେ ଭାବନାଟି ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ ହେବା କଥାଟି ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ 1968 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଅରୋଭିଲ୍ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ପୃଥିବୀର 124 ଦେଶ ଆଉ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 23 ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ଏ ଅରୋଭିଲ୍ରେ ମାତୃ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ତାର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 4 ସ୍ତମ୍ଭ। ସେଇ ଯେଉଁ 4 ସ୍ତମ୍ଭ ତାହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 100 ଫୁଟ। ବିଶିଷ୍ଟ ଫରାସୀ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯେ ରୋଜର୍ ଆଞ୍ଜେ ଏଥିରେ ଏହାର ଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଅରୋଭିଲ୍ କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ଅରୋଭିଲ୍ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବି ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର, ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମଗ୍ରତାର କଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭାବଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାତୃ ମନ୍ଦିର। 1970 ନଭେମ୍ବରରେ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ମା କହିଥିଲେ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ୱିଲ୍ ବି ଦି ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅରୋଭିଲ୍, ସୋଲ୍ ମାନେ ଆତ୍ମା। ମାତୃମନ୍ଦିର ଠିକ ମଝିରେ ଆମର ଯେମିତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ସେଇଭଳି ଅରୋଭିଲ୍ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଟି ଯାହାକି ଉଷାନଗରୀ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବେ। ଦି ସୁନର୍ ଦି ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍। ଏ 1970ରେ
ए बाणी से देते से भाव लिखिंट मु पढ़ू से धाड़ी दिटी लिखी दि सुनर दि सोल इज देयर जिते शीघ्र आत्मा सेटार प्रकाशित हे दि बेटर से भल हम क्या फर एवरी बडी समस्त एस्पेशली फर अरोविलियंस जो मैंने अरोविले रही से मानी मातृ मंदिर जे कि अरोविल आत्मा उपादेय हम से ही परिचालना कर आत्मा जमी साधक जीवन को परिचालना कै मातृ मंदिर से भाई अरोविल कहे जहाँ बुझौती ही परिचालना कर भाव में दीर्घ 37 वर्ष मातृ मंदिर गठन कार्य चलता एवं आनुष्ठानिक भाव 2008 रे उद्घाटित है साधारण व्यक्ति विशेष खोला रहा जे मोट कथा आम देखा माँ का स्वप्नर दिव्य परिप्रकाश घटी अरोविल निकटने ता मैंने मुझे कहे कि अरोविल इज दि आउटर फॉर्म ऑफ मदर्स ड्रीम माँ का ड्रीम जहाँकि सत्य आलोक चेतनादीप्त अरोविल हूँ तार स्थूल रूप अरोविल तार स्थूल रूप 2008 रे व्यक्ति विशेष ता भीतर को प्रवेश करिवार अनुमति प्राप्त होते आ मातृ मंदिर चतुर्पार्श्व अरोविल जो चारोटी सेक्शन रही सेक्टर बोली कहती जोन कहती ता साधारण तो हूँ गोटे हूँ रेसीडेंशियल जो बास करने आ गोटे इंडस्ट्रियल जो सब विभिन्न प्रकार शिल्प कार्य मेकिंग ऑफ थिंग्स आ गोटे हूँ कल्चरल सांस्कृतिक जहाँ जीवन रोटे अंग आ गोटे हूँ इंटरनेशनल जहाँ हूँ समग्र मानव जाति ये सब गुड़िक रिप्रेजेंट कर मातृ मंदिर तेणु ये सब गुड़िक व्यक्ति दरकार ये सब गुड़िक मानव जाति दरकार आठ जो 12 बगीचा अच्छी 12 गार्डेन्स से 12 गार्डेन्स गुड़िकर नाम दिखाई से सबू भगवान गोटे गोटे दिव्य गुण को प्रकाश करजिस्टेन्स अस्तित्व परफेक्शन पूर्णता ब्लीस आनंद यूथ चिरजौवन कन्सियनेस चेतना हार्मोनी संगति प्रोग्रेस अग्रगति लाइट आलोक वेल्थ है संपद पावर लाइफ यूटिलिटी ये सब गुड़िक 12 जाक ये 12 जिते बड़े माँ का शक्ति जिते बड़े आस्ते आस्ते भविष्य रे पृथ्वी रे क्रियाशील हे गुड़िक हस भाव प्रकाशित है दिज All will be the smiles on her face. तेणु आमर बर्तमान माँ को जो स्वप्न टी कथा देखिले भाई भोनी माने ता स्वप्न आई कि ना अरोविल सृष्टि हो सकती माँ के भावी केखी के प्रकाश होता के तूल रूप नेला आम आज अनुभव करे तो वर्ष पर समग्र विश्व से मातृ मंदिर को नित्य स्मरण एवं अग्रगति करुथबो ए युद्धर विभीषिका आउ नथिबो बाकी याकु आउ चिंता करिवेनि शेषरे समस्त को मोर धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम।